मतदाताओं के विश्वास को बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग हमेशा से ये प्रयास करता आया है कि चुनाव शांतिपूर्ण और पुख्ता तरीके से हो, और इसके लिए समय के साथ साथ चुनाव की प्रक्रिया में जरूरी बदलाव भी करता आया है। पिछले कई सालों से आप ईवीएम मशीन पर वोटिंग कर रहे हैं, और हर चुनाव में हमारे साथ कुछ नए वोटर्स जुड़ जाते हैं जो पहली बार वोट देंगे। इसलिए जरूरी है कि हम आपको ईवीएम मशीन पर वोट के बारे में विस्तार से समझाएं। ये है ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और ये है इसकी बैलेट यूनिट। इसके बाईं तरफ उम्मीदवार की क्रम संख्या, उसके सामने उसका नाम और चुनाव चिन्ह अंकित है, और इसके सामने ये नीला बटन दिया गया है। वोटिंग बूथ पर आपकी पहचान सुनिश्चित होने के बाद पीठासीन अधिकारी कंट्रोल यूनिट से आपको बैलेट इश्यू करेगा, और ये मशीन बिजी हो जाएगी और बैलेट यूनिट रेडी हो जाएगी। आपको अपने उम्मीदवार जिसे आप वोट देना चाहते हैं उस उम्मीदवार की क्रम संख्या, नाम और चुनाव चिन्ह की अच्छे से पहचान करने के बाद ही उसके सामने दिए गए नीले बटन को दबाना है। आपके नीला बटन दबाने के बाद बटन के सामने एक लाल लाइट जलेगी। इस बार के चुनाव में निर्वाचन आयोग ने आपका वोट आपके उम्मीदवार को गया है या नहीं इस बात को डबल चेक करने यानी पुख्ता करने के लिए वीवीपैट मशीन को ईवीएम के साथ जोड़ा है। आपको वोट वैसे ही करना है जैसा मैंने आपको पहले बताया, बस आपको नीला बटन दबाने के बाद खड़े रहकर इंतजार करना है, और तब आपको वीवीपैट मशीन की पारदर्शी खिड़की में 7 सेकंड के लिए एक पर्ची दिखाई देगी। उस पर्ची में आपने जिसे वोट दिया है उस उम्मीदवार की क्रम संख्या, नाम और चुनाव चिन्ह दिखाई देंगे, और वो पर्ची कटकर नीचे बॉक्स में गिर जाएगी, और आपको बीप की एक लंबी आवाज सुनाई देगी यानी आपका वोट हो गया। वो पर्ची मतदाता को नहीं दी जाएगी। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपने जिस उम्मीदवार के नाम पर बटन दबाया है पर्ची में भी वही दिख रहा है या नहीं। यदि ऐसा नहीं है तो इसकी जानकारी तुरंत वहां उपस्थित पीठासीन अधिकारी को दें। अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि आपका वोट उसी को जाएगा जिसे आपने वोट दिया है। तो अब चुनाव वाले दिन हम सबको वोटिंग करनी है। ध्यान रहे, एक भी वोटर ना छूटे जिसने वोट ना दिया हो, क्योंकि वोटिंग करना न केवल हमारा नैतिक दायित्व है बल्कि हमारा अधिकार भी है। अच्छे उम्मीदवार को चुनकर हम अपने जीवन स्तर और भविष्य में बदलाव ला सकते हैं। एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस बार वोटर आईडी कार्ड लेकर वोटिंग वाले दिन हम सबको वोटिंग बूथ पर जाना है और वोट करना है। अब तो समझ गए ना आप लोग, वीवीपैट मशीन से इस बार मतदाता को मिलेगी पुष्टि, संतुष्टि और विश्वास। आया, आया।